अभी हाल ही में जलगांव की जेल से 3 कैदी फरार हो गए थे। ये तीनों कैदी रिवाल्वर दिखलाकर जेल से फरार हुए थे। ये मामला बिल्कुल अभी ताजा है और मंगलवार को फिर कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से जेल के अंदर कोई सामान भेजने का प्रयास कर रहा था। चूंकि जेल से अभी अभी कैदी फरार हुए हैं, इसलिए चौकसी ज्यादा थी और इसलिए जेल के अंदर सामान फेंकने में के प्रयास करने वाले इस व्यक्ति को तुरंत धर दबोचा गया और जिला पेट पुलिस थाने पहुंचा दिया गया। जेलला पुरवठा करण्यासाठी आलेला होता सामान फेकण्यासाठी म्हणा किंवा काही इलिगल वस्तूसाठी, त्याला आमच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ पकडले आणि जिल्हा पेठ पोलीस स्टेशन त्या ताब्यात दिले। अधिक तपास जिल्हा पेठ पोलीस स्टेशन म्हणजे बाहेरून उंच बिल्डिंगवरून आतमध्ये काहीतरी फेकत होते। त्याच्या हातामध्ये सामानाची पिशवी होती, फेकलेलं नव्हतं, पण संशयावरून त्याला आम्ही हटकला, त्यामुळे जेल में इन दिनों कोरोना के चलते बहुत ज्यादा सख्ती नहीं थी और यही वजह है कि जेल के अंदर कुछ भी ले जाना अब कैदियों को आसान लगने लगा, क्योंकि कोरोना काल में उन्हें छूकर तलाशी नहीं ली जा सकती थी, इसलिए जेल के अंदर अब कुछ लोग कुछ भी ले जाने का साहस करने लगे। साथ ही साथ जेल के आसपास बस्ती होने की वजह से जेल के अंदर दीवार के ऊपर से कुछ भी फेंका जा सकता है। यह सारी बातें अब खुलकर सामने आई है क्योंकि जेल से 3 कैदी फरार हो गए थे। हालांकि बार बार यह भी दुहाई दी जाती है कि जेल में कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या कम है और यह एक बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है कि जेल में ऐसी कोताही है। सरकार को चाहिए कि सभी तरफ पूरा ध्यान दे, क्योंकि आधा ध्यान कहीं न कहीं लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। जलगांव से धर्मेंद्र राजपूत के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।